आज एक्सप्लेन करेंगे कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या होता है? इसमें किसी भी सब्सटेंस की दो प्लेटें होती हैं। सब्सटेंस जैसे फॉर एग्जांपल आयरन, कॉपर, सिल्वर, टिन, कोई भी सब्सटेंस की यहां पर दो प्लेटें लेते हैं और एक प्लेट पर यहां पर प्लस क्यू चार्ज यहां पर लेते हैं, प्लस क्यू चार्ज देते हैं, तो इसमें एक इंडक्शन वर्किंग होती है। इसके अंदर एक इंडक्शन वर्किंग होती है जिसके कारण इस प्लेट में इनर सरफेस में माइनस क्यू चार्ज एंड आउटर सरफेस पर प्लस क्यू चार्ज इसमें राइज हो जाता है। इनर सरफेस में प्लस क्यू चार्ज, इनर सरफेस में माइनस क्यू चार्ज, आउटर सरफेस में प्लस क्यू चार्ज राइज हो जाता है। इस प्लेट को यहां पर जो है इसे अर्थ से ऐड कर देते हैं, अर्थ से ऐड कर देते हैं तो इसमें प्लस क्यू चार्ज अर्थ में चला जाता है, जिससे कि एक प्लेट पर यहां पर पॉजिटिव चार्ज और दूसरी प्लेट पर इक्वल एंड अपोजिट निगेटिव चार्ज। दिस इज कॉल्ड कैपेसिटर। ये हमारा कैपेसिटर यहां पर फॉर्म हो जाता है। एक प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज है, दूसरी प्लेट पर निगेटिव चार्ज है, ये कैपेसिटर यहां पर फॉर्म हो जाता है। इस तरह से कैपेसिटर में कहीं पर भी ये दो प्लेटें हो, एक पर पॉजिटिव निगेटिव, एक पर पॉजिटिव चार्ज हो, दूसरे पर नेगेटिव चार्ज हो, दिस इज कॉल्ड कैपेसिटर, वो कैपेसिटर की तरह वर्क करता है। तो इसमें कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटर क्या होता है? कैपेसिटर हमारी जो है एक डिवाइस है। कैपेसिटर इज ए डिवाइस स्टोर चार्ज, स्टोर चार्ज विधाउट चेंज द साइज ऑफ कंडक्टर। जो कैपेसिटर होता है, कैपेसिटर क्या है? स्टोर द चार्ज। कैपेसिटर एक हमारी डिवाइस है, एक युक्ति है जो कि इसमें जो है चेंज द स्टोर द चार्ज, इसके अंदर चार्ज हमारा क्या होता है, स्टोर रहता है विदाउट चेंज द साइज ऑफ कंडक्टर। साइज कंडक्टर के साइज को चेंज किए बिना उसमें चार्ज हमारा स्टोर रहता है, ये हमारा कैपेसिटर है। अब इसमें कैपेसिटेंस क्या है? सी इक्वल टू होता है सी इक्वल टू क्यू बाई वी। जैसे हम इस कंडक्टर को, इस प्लेट को चार्ज क्यू यहां पर देते हैं तो इसमें वोल्टेज क्या होता है, उसी वोल्टेज वी राइज हो जाता है, वी राइज होता है तो जो रेशियो होता है क्यू और वी का जो रेशियो, दिस इज कॉल्ड कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर ऑफ द कैपेसिटेंस, इसकी कैपेसिटेंस फाइंड करती है। अब इसमें यहां पर इंक्रीज द चार्ज एंड डिक्रीज द वोल्टेज, इंक्रीज द चार्ज एंड डिक्रीज द वोल्टेज, देन इंक्रीज द कैपेसिटेंस। इसमें यदि हम चार्ज यहां पर चार्ज क्यू की वैल्यू इंक्रीज करते हैं और पोटेंशियल वी की वैल्यू इंक्रीज करते हैं तो उसकी जो कैपेसिटेंस है सी की वैल्यू आल्सो इंक्रीजेस, आल्सो उसकी वैल्यू जो है इंक्रीज हो जाती है। अब इसमें फैक्टर, हाँ, कैपेसिटर हमारा कहाँ पर यूज किया जाता है? कैपेसिटर जो है एक सर्किट होती है, सर्किट में यूज करते हैं और इसका यूजेस जो है एक एलसी यहां पर क्या होता है, एलसी एक सर्किट होता है, एलसी एक सर्किट होता है, रेडियो में होता है, रेडियो में इसका यूज किया जाता है और इसमें एल जो हमारा इंडक्टेंस होता है, सी कैपेसिटेंस होता है। और जब रेडियो में हम चैनल चेंज करते हैं तो उस समय
उसमें एक आवाज आती है, वो आवाज इसी कैपेसिटर सी की होती है। इसको चेंज करने से इसकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है, और जैसे फ्रीक्वेंसी इसकी चेंज होती है, रेडियो स्टेशन से बहुत सारी फ्रीक्वेंसी वहां पर आती हैं, जितनी फ्रीक्वेंसी इसकी होती है वही फ्रीक्वेंसी दोनों फ्रीक्वेंसी आपस में टैली करती है। मीन्स उस समय इस कैपेसिटर के मॉलिक्यूल का वाइब्रेशन इंक्रीज हो जाता है, और जब इंक्रीज हो जाता है तो वो उस समय रेजोनेंस की कंडीशन हो जाती है। रेजोनेंस की कंडीशन में हमें वो प्रोग्राम क्या होता है, वो प्रोग्राम सुनाई देने लगता है। तो कैपेसिटेंस का मेन यूज रेडियो में होता है, वेरी इंपॉर्टेंट चीज, क्वेश्चन है, इस चीज को इसमें विशेष करके ध्यान रखना है। अब फैक्टर इफेक्टिंग कैपेसिटर ऑफ द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर फैक्टर इफेक्टिंग कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर। इसमें कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कैपेसिटर की कैपेसिटी पर इफेक्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट इसमें दिया है एरिया ऑन द प्लेट। फर्स्ट पॉइंट है एरिया ऑन द प्लेट। जो प्लेट है, प्लेट की एरिया को हम यहां इंक्रीज कर दें, सी डायरेक्टली प्रोपोर्शन क्या होता है, सी डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू ए। इसमें एरिया जो है, एरिया को हम इंक्रीज कर देते हैं तो उसका कैपेसिटर की कैपेसिटेंस जो है इंक्रीज कर जाती है। इसमें एक चीज इसमें ध्यान रखना है, इसमें जो एरिया है वो एरिया यहां पर क्रॉस सेक्शन एरिया नहीं है, पूरी प्लेट का एरिया यहां पर लिया जाता है। इस चीज को इसमें विशेष करके ध्यान रखना है, ये जो प्लेट्स होती हैं, दो प्लेट्स होती हैं, ये क्रॉस सेक्शन एरिया नहीं, पूरी प्लेट का एरिया यहां पर होता है। ठीक, तो इसमें फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट है, सेकेंड पॉइंट एरिया पर डिपेंड हो गया। सेकेंड पॉइंट है ऑन द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट। सेकेंड पॉइंट इसमें दिया है ऑन द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट, दोनों प्लेट के बीच की डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। सी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है 1/d। जो कैपेसिटेंस है दोनों प्लेट की बीच की डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, या दोनों प्लेट के बीच की डिस्टेंस को हम इंक्रीज कर दें तो कैपेसिटेंस सी की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, और यदि हम डिस्टेंस क्या है डिक्रीज कर दें तो कैपेसिटेंस सी की वैल्यू इंक्रीज कर जाएगी। थर्ड पॉइंट इसमें है ऑन द मीडियम बिटवीन द प्लेट। प्लेट्स ऑन द मीडियम बिटवीन द प्लेट्स, इसमें सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। ये कंपटीशन लेवल में एनसीईआरटी बुक में इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन इसमें दिए हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंपटीशन में ज्यादातर इससे रिलेटेड क्वेश्चन यहां पर पूछा जाता है, इस चीज को विशेष ध्यान रखना है। ऑन द मीडियम बिटवीन द प्लेट, यदि प्लेट के बीच यानी मीडियम, हम यहां पर मीडियम क्या होते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहां पर दिया है फर्स्ट है ग्लास, ग्लास है, माइका, पैराफिन, सेकेंड है वॉक्स,
वॉक्स हैं, ऑयल एटीसी, ये हमारे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होते हैं। ग्लास है, माइका है, माइका एक सब्सटेंस होता है जिसमें नंबर्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होते हैं। पैराफिन है, ये भी हमारा सब्सटेंस है। वॉक्स है, वॉक्स मोम है, मोम में नंबर्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होते, आयल में नंबर्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होते। तो ये हमारे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हैं। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में नंबर्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन नेगलिजिबल होते हैं, जीरो होते हैं, इसलिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहलाते हैं। अब इसमें C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K है। यदि मान लो सपोज करिए यहाँ पर सपोज करिए ये वायर है और इसमें क्यू चार्ज यहाँ पर क्या होते हैं, क्यू चार्ज हम देते हैं। तो इस वायर को जब हम क्यू चार्ज देते हैं तो इसमें वोल्टेज क्या होता है, वी राइज होता है। तो C इज इक्वल टू क्या होता है, C इज इक्वल टू क्यू बाई वी फॉर्मूला हो जाता है। इसके बीच में यदि मान लो सपोज दैट हम यहां पर ग्लास रख देते हैं, इसके कॉन्टेक्ट में यहां पर ग्लास रख देते हैं, ऐसे ग्लास हो गया, ये ग्लास हो गया। तो इसके बीच में जब ग्लास यहां पर रख देते हैं तो ग्लास रखने पर इसको हम चार्ज देते हैं, तो कुछ चार्ज हमारा क्या होता है इस ग्लास में चला जाता है, तो कुछ ना कुछ चार्ज इसमें ग्लास में चला जाता है, तो इस कंडक्टर को चार्ज हमको अधिक देना पड़ता है। इस कंडक्टर को इसमें चार्ज क्या है, चार्ज हमको अधिक देना पड़ता है, जिसके कारण चार्ज हमारा जब इंक्रीज करेगा तो कैपेसिटेंस सी की वैल्यू आल्सो इंक्रीजेस, इसलिए सी की वैल्यू हमारी इंक्रीज हो जाती है। तो इस यहां पर C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल K अर्थात डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के दोनों प्लेट के बीच में या डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट रखते हैं तो कैपेसिटेंस C की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। फिर से एक बार, इसमें कैपेसिटेंस ये C का फॉर्मूला होता है, C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट होता है, एप्सिलॉन नॉट के ए अपॉन डी, ये फॉर्मूला होता है। एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होता है, इसकी वैल्यू 8.85 इंटू 10 पावर माइनस 11 होती है, कि यहाँ पर डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो गया, ए प्लेट प्लस एरिया ऑफ प्लेट हो गया, डी डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स हो गई इसमें, ठीक है। तो यदि हम एरिया को प्लेट की एरिया को इंक्रीज कर देते हैं तो कैपेसिटेंस सी की वैल्यू हमारी इंक्रीज हो जाएगी। यदि डिस्टेंस दोनों प्लेट के बीच की डिस्टेंस को इंक्रीज कर देंगे तो सी डिक्रीज हो जाएगा। डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट, उसके बीच में डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, उसको यदि हम इंक्रीज कर देते हैं तो कैपेसिटेंस सी की वैल्यू यहां पर इंक्रीज हो जाएगी। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इस चीज को ध्यान रखना, हमने बताया था सभी सब्सटेंस के लिए के की वैल्यू के इज ग्रेटर देन 1। डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जितने भी डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट हैं सबके लिए के की वैल्यू 1 होती है।